हेलो बच्चों, मिशन शिक्षण संवाद द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम पढ़ाई से प्रतियोगिता तक में मिशन टीम आप सभी बच्चों का स्वागत करती है। बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको अधिकरण कारक के बारे में बताया था। बच्चों, आज हम आपको हिंदी व्याकरण जूनियर शीट शीट क्रमांक 38 जिसका प्रकरण है संबोधन कारक के बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं संबोधन कारक की परिभाषा। बच्चों, संबोधन का अर्थ होता है पुकारना। जैसे हम कार्य करने पर घर में किसी को भी पुकारते हैं, शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारने का या चेतावनी देना या संबोधन करने का बोध हो, उसे बच्चों संबोधन कारक कहते हैं। मैं आपके सामने कुछ वाक्य पढ़ रही हूँ, उससे समझ में आएगा। पहला वाक्य है बच्चों, अरे मम्मी तुम कहाँ जा रही हो। दूसरा वाक्य है बच्चों, अरे पापा दीपक को क्यों मार रहे हो। तीसरा वाक्य है, हे ईश्वर हमारी रक्षा करो। और चौथा वाक्य है बच्चों, चुप हो जाओ। तो बच्चों, ये सारे वाक्य आपने देखे, इसमें अरे मम्मी, अरे पापा, हे ईश्वर और बच्चों, ये सभी संबोधन कारक हैं। बच्चों, इसकी विभक्ति है, अरे और ओ है। बच्चों, संबोधन कारक में ध्यान रखने कुछ बातें होती हैं जिससे हम संबोधन कारक को आसानी से पहचान पाते हैं। नंबर एक है, परसर्ग अव्यय शब्द होता है लेकिन उसके बाद संज्ञा शब्द आना ज़रूरी होता है। जैसे मैं आपके सामने एक वाक्य पढ़ रही हूँ, अरे राहुल तुम कहाँ जा रहे हो, है ना। तो ये संज्ञा शब्द के बाद विस्मयबोधक चिन्ह या अल्प विराम चिन्ह आना चाहिए। विस्मयबोधक चिन्ह बच्चों उसे कहते हैं जो आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा के भाव को व्यक्त करता हो, वह चिन्ह, है ना। और अल्प विराम चिन्ह किसे कहते हैं बच्चों, कि अल्प विराम, विराम यानी कि थोड़ी देर के लिए रुकना, जिसका अर्थ होता है ठहराव। इसी ठहराव के लिए चिन्ह का प्रयोग होता है। बच्चों, आपने यहाँ देखा, मैंने एक वाक्य पढ़ा कि अरे राहुल तुम कहाँ जा रहे हो, है ना। तो यहाँ पर जो अरे के बाद है वो एक चिन्ह लगा हुआ है, एक खड़ी रेखा है और उसके नीचे एक डॉट है, तो ये क्या है, विस्मयबोधक चिन्ह है। दूसरा ध्यान रखने योग्य बात है बच्चों कि सर्वनाम के साथ संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता है। तो ये था बच्चों संबोधन कारक की परिभाषा, कुछ वाक्य और ध्यान रखने योग्य बातें। बच्चों, इससे पहले की शीट में हमने आपको गृह कार्य करने के लिए दिया था, हमें उम्मीद है वह काम आपने कर लिया होगा। चलिए अब हम उनके उत्तर देख लेते हैं। पहला उसका उत्तर है बच्चों कि अधिकरण कारक का अर्थ है कि उस स्थान का बोध कराना जहाँ क्रिया हो। बच्चों, इसका दूसरा उत्तर है कि हमें अधिकरण कारक का एक उदाहरण देना था, तो वो उदाहरण है बच्चों कि चट्टान पर विशाल भवन बना है। बच्चों, इस आज फिर हम आपको अभ्यास कार्य करने के लिए दे रहे हैं, हमें उम्मीद है कि ये अभ्यास कार्य आप कॉपी पर अच्छे से करेंगे। बच्चों, इसका पहला प्रश्न है कि संबोधन की परिभाषा लिखिए। अब दूसरा प्रश्न है बच्चों इसका कि संबोधन कारक की विभक्ति बताइए। तो ये था बच्चों आज का वीडियो जिसे आपने देखा और समझा। इसके लिए आपका बहुत बहुत